सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, हम फिर से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, पिछले में हम स्क्वाड खेल रहे थे पिछले मैच में, और उसमें भी लास्ट में डुओ हो गया था, फिर उसके लास्ट में सोलो हो गया था गाइस। तो गाइस, इस वाले मैच में भी कुछ ऐसा होता है, मैं खेल तो रहा था स्क्वाड पर, गाइस डुओ हो जाता और मैं उतरता हूँ विलेज के साइड में, और मतलब स्कूल के साइड में जो कि घर है इधर। तो गाइस, वीडियो पूरे एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला और बहुत सही चीज़ होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और उतरते हमें यहाँ पे मिल जाती है गाइस उजी, तो उजी उठा के भैया ले देते हैं हम, मतलब चलते हैं। फिर यहाँ पे M16 भी मिल जाती है, जो कि बहुत सही बात है M16। और मैं आपको पता ही है मेरी फेवरेट जगह स्क्वाड हाउस है, जब भी मैं मतलब कहीं पे भी किसी जगह पे उतरता हूँ और वहाँ पे स्क्वाड हाउस होता है, तो मैं गाइस मैं वहीं पे उतरता हूँ। तो मेरे को फायरिंग की आवाज़ आ गई थी, पर मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी बंदों की। तो जैसे ही मैंने देखा वेयर हाउस में एक मतलब बंदा जा रहा है, तो मैंने कहा ले भैया, क्योंकि पता है इस वीडियो में पूरा रश गेम प्ले गाइस, पूरा रश। और अभी आपने देखा होगा मैं कैसे उतरा भाई, ये मतलब ये कुछ ऐसा हैक टाइप का मेरे को फीलिंग आया कि भैया एकदम हैकर टाइप हुआ। मतलब मैंने वो जंप वाला दबाया पर मैं जंप हुआ नहीं, जैसे कि अभी उतरा ना मैं वैसे नहीं उतरा, मैं दो बार क्लिक करा डायरेक्ट नीचे। तो भैया, अब इस वेयर हाउस में देखना कैसे बंदों को लपेटेंगे। ये बंदा यहाँ पे आराम से मतलब खड़ा हो रहा था, इसको मैंने उजी से लपेट दिया वैसी फोर। और पता है क्या, फोर टू स्टेप्स आ रहे थे, तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। तो फिर अच्छा, मैंने बाहर जाके देखा, अच्छा यहाँ पे भी एक बंदा है, ओके कोई बात नहीं। तो फिर मैं सोचा कि ये बंदा बाहर जा रहा है तो इसको पहले लपेट देते हैं कि ये कहीं भाग भाग ना जाए, भैया किल विल तो मिलेगा नहीं फालतू में। जैसे ही मैं देखता हूँ भैया ये बंदा आ जाता है फिर से, तो मैं सोचता हूँ कि भाई तू थोड़ी देर वेट कर, तेरे को भी फिनिश करेंगे, पहले इसको उजी से फिनिश करते हैं। तो भाई मैंने M16 निकाली, M16 से भैया इसको क्या गंद लपेटा ना। और गाइस मतलब अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर ही है, फिल्म तो अभी बाकी है गाइस, वीडियो को पूरी देखना। तो मैंने इसको सोचा इसको फिनिश करके इससे थोड़ी लूट करता हूँ। अब ये खड़ा कैसे हो गया? अच्छा गाइस, सच में जैसे मैं खेल रहा, मैं कभी कभार खेलता हूँ ना, तो कोई बंदा मैं नॉक करता हूँ, वो नॉक होकर खड़ा हो जाता है, फिर नॉक होता है, ऐसे ही मर गया खड़ा हो गया, भाई क्या नहीं क्या आत्मा निकल गई क्या तेरी बाहर, अजीब ही बंदा है। अब जैसे ही मैं आया, मैंने यहाँ देखा, ओ भाई शिट, मैं सोचा मैंने गलती कर दी यार, फिनिश करके चलता यार, बहुत बड़ी गलती होगी। 3 किल हो जाते मेरे जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ। और फिर जैसे ही मैं मतलब यहाँ से देखता हूँ कि वो कोई बंदा अंदर कहाँ गया यार, वो मतलब कहाँ चले गया यार, मेरे को किल चाहिए था वो, मतलब ओके। जैसे ही मैं देखता हूँ मेरे 2 किल हो गए आगे है ना, मतलब मेरे को उसका क्रेट दिख जाता जिसमें से मतलब स्मोक आ रहा होता है ग्रीन कलर का। मैंने कहा अच्छा बेटे, बहुत छाने बन रहा था और इतनी दूर आ गया है बंदा, भाई साहब पता भी नहीं चला मेरे को। यही होता है जिसको नॉक कर रहे हो ना, ज़्यादा टाइम लगाओ मत फिनिश करने में, क्योंकि पता है दिक्कत हो जाती है। और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया होगा, अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लो जो कि इससे पहले डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि GTA Vice City की वीडियोज़ आएंगी मेरे दूसरे चैनल पर टेक गेमिंग प्रो पे, तो उस पर मतलब वीडियोज़ आई नहीं, सॉरी गाइस उसके लिए, पर डाल दूंगा मैं, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इतनी, कल डाल दूंगा, पर आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं सोचा कि अब यहाँ पे लूट लिया, अब सीधा यहाँ से बाहर चलते हैं, मेरे को फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मैं सोच लिया भैया फायरिंग। और जैसे मैं देखता हूँ भाई नंबर 4 नॉक हो जाता है, तो मैं सोचता भैया और अकेले जाओ ठीक है, तुम्हारी बस की होती नहीं सोलो वर्सेस स्क्वाड में खेलने की, बंदे आ जाते हैं लपेट के चले जाते हैं, फिर रिवाइव मी हेल्प मी, ये बस ये सब हरकतें करनी होती है। भाई मैं तो 4 फिंगर खेलता हूँ, जैसे मैं आगे देखता हूँ भाई वो बंदा भाग रहा है, और इतनी तेज़ भाग रहा है भाई, भाग मिलकर भाग है क्या, कैसे गवारों की तरह भाग रहा है इतनी तेज़, या फिर मेरे स्कोप में कुछ दिक्कत आ गई थी 3X में, पता है नहीं गाइस। जैसे मैं देखता हूँ इधर ये नूबड़ा भैया बकवास कर रहा होता है, इसके तो हेडशॉट बजाना था पर हेडशॉट लगा नहीं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे 3 किलो जाते हैं गाइस, अभी 3 किलो हो गए और 30 अलाइव हैं। तो मेरे को इस वाले मैच में लगा कि मेरे किल से निकलेंगे नहीं, पर गाइस लास्ट में जो कि हमने ड्रॉप लूटे और भाई बंदों का क्या लपेटा ना गाइस, बहुत तगड़ी चीज़ है गाइस, आपको देख के मतलब मज़ा ही आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा कि रुक जा भैया, तो कहाँ जा रहा था भाग भग भग के। अब मैंने सोचा कि वो भैया यहीं होगा, मतलब ऊपर चढ़ गया होगा, कैंप वैम्प कर रहा होगा, और गेट इसलिए नहीं खोला होगा ताकि मेरे को पता ना चले। और भैया नंबर 4 तो अपना मर के साइड हो जाते हैं, यहाँ पे भी M4 पड़ी हुई थी नहीं, मतलब तगड़ी तगड़ी जगह होती है ना वहाँ पे, कभी कभार M4 मिलती नहीं, और M4 भैया ऐसी लोकल जगहों पे देख लो, किसी भी घर में कबाड़ में भैया, कई Kar98, कई AKM, कई M416।
तो अभी जो कॉम्बो चल रहा था ना मेरा, वो M416, मेरे पास AKM की बहुत कम एमो थी। तो और आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जो कि ये वाला वेयर हाउस है जो कि स्कूल के साइड में है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एमो पड़ी हुई थी जब मैं उस बंदे को, मतलब उस वाले बंदे को नॉक किया था ना मैंने, जब आपके आई। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे थी वहाँ। तो मैं सोचा कि हर वक्त मतलब अगर कुछ भी मतलब प्रिकॉशंस हो सकते हैं, प्रिकॉशंस इस बेटर देन को, तो मैंने सोचा कि ले लेनी चाहिए भाई। वैसे M416 की तो बहुत एमो थी, तो यहाँ से मैंने ले ली भैया 90 एमो ले ली मैंने, और यहाँ पे हेलमेट भी मिल गया। तो मैं सोचा कि अब सब कुछ तो हो ही गया, अब चलते हैं बंदों को पेल लें। और मैं सोचता हूँ कि कोई गाड़ी वाड़ी लेके चलता हूँ, और मेरे को इधर क्रेट पड़े हुए मिले भाई। मैंने सोच लिया भैया यहाँ तो कुछ हुआ ही है, अखंड कुछ हुआ होगा यहाँ पे। तो मैंने निकाल ली भैया अपनी M4, कहीं कुछ बंदे बंदे आके एकदम से स्कैम ना कर दे मेरे साथ। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पे, और यहाँ से मैं कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाने लग जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं घर में होना तो नहीं चाहिए वैसे, पर कोई था भी नहीं जैसे कि मैंने सोचा था। जैसे मैं देखता हूँ कोई गाड़ी जाती है भाई आगे की तरफ, इस बंदे को इतना तगड़ा मतलब मैं स्प्रे देता ना, पर ये जो सेंसिविटी इतनी घटिया हो गई थी ना, मतलब 6x मतलब, और 4x था, तो मैं 4x पे स्विच किया नहीं क्योंकि इतना टाइम था नहीं मेरे पास। तो मैं सोचा चल भैया अब चलते हैं, इस बंदे के पीछे ही चलेंगे लपेटने। और मैं जैसे ही जाता हूँ मतलब मैं बग्गी लेन जाता हूँ, मेरे को बग्गी आगे दिख जाती है, तो मैं उसका पीछा तो करने वाला था डेफिनेटली, और हमने उसका पीछा भी करा उस वाले बंदे का। तो देखना गए मैं आपको बताऊंगा नहीं, मतलब मज़ा ख़राब हो। जैसे मैं देखता हूँ भाई नंबर 4 ऐसे खड़ा जाए, तो भाई मैं उसका बहुत वाला स्टेंट हो एकदम घर के आगे अड़ा के खड़ा। तो मैं सोचा ठीक है भैया तू ले चल, और भैया अपने आराम से मतलब लूट वूट के आ रहा है, वो एरिडॉप वगैरह वगैरह लूट के आ रहा है भैया आराम से एकदम। तो मैंने कहा भैया मेरे को पता पक्का लगा था क्योंकि ड्रॉप भी उधर थी और वो बंदा भी उधर गया था, तो मेरे को लगा कि वो गया होगा। तो फिर नंबर 4 तो भैया हाई समझदार प्रो है, मतलब सही बंदा था यार नंबर 4, मज़ा आ गया इसके साथ। तो गाइस अब डुओ सिचुएशन हो चुकी है, हम मेरे को लगा कि वो है, उससे भी लगा कि ऐसा वो होगा मतलब इधर ऐसा, पर यहाँ पे कोई था ही नहीं। मेरे को तो लग रहा है यही लूट के आ गया होगा ये वाली ड्रॉप। और अब जो गाड़ी में घूम घूम के हमने बंदे पे लेना गाइस, देखने मज़ा आएगा। पहले तो हम इधर जाते हैं, इधर मतलब कोई बंदा बंदा दिखता नहीं है, तो मैं इसे, और जैसे ये बंदा चलता भाई इसकी क्या लपेटता होना, इतनी गंद वाली ये देखो मतलब लपेटी, इतनी गंद लपेटी है ना मैंने इसकी। ये कह रहा है ये भागने लग गया, मैंने कहा चल भाई भाग ले तू भी भाग ले, आज देख ही लेंगे किसमें कितना है दम भैया। ये UAZ में हम भी UAZ में, मैंने भैया इसको बहुत मतलब स्प्रे तगड़ा किया भैया, कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ी, डैमेज पूरा दिया मैंने इस बंदे को। फिर ये उतर गया फिर मतलब, और हमारा भाई ये इतना तगड़ा प्रो ड्राइवर, इसने बैक करके घुमाई रिवर्स में करके भाई और सीधा नॉक कर दिया। तो मैंने कहा बढ़िया भाई बहुत तगड़ा खेल रहा है, और इसने गाड़ी से 2-3 बंदे तो ऐसे नॉक कर दिए। फिर अभी भी मेरे को मतलब 17 बचे हुए थे, मेरे को लगा कि किल नहीं निकलेंगे यार, टेंशन हो गया क्योंकि किल मतलब किस तो चाहिए होते हैं मतलब सबको। जैसे ही हम यहाँ पे लूटते हैं, इसके बाद देखना गाइस 3-3 बंदे आ गए सोलो वर्सेस सोलो में, भाई क्या भिड़री होती ना। यहाँ से स्कोप ओपन करता हूँ अभी, आप तीनों बंदे देखना, एक बंदा ये रहा, इस वाले बंदे को मैं ऐसा लपेट के नॉक कर दूंगा ना, और साइड में इनके इधर एक और बंदा था वो जो उस तरफ भाग गया गाइस, नहीं मतलब आप देख नहीं सकते। तो मैं उतर जाता हूँ किल के चक्कर में, और गाइस आप देख सकते 3-3 क्रेट पड़ी हुई है इधर, 3-3 क्रेट, नहीं मतलब क्या गंदे लपेटा ना इन बंदों को हमने क्या करें यार। इसके पास DP थी, DP मैं लेता ही नहीं, बेशक रिकॉइल ज़्यादा हो AKM का, पर गाइस चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, रूस वूस तो नहीं क्या है नंबर 4? फिर अच्छा ओके, नहीं मतलब पता है इस नंबर 4 में ज़्यादा ही दिमाग है। मैंने सोचा कि रूस के भग गया होगा, मैं अकेला लूटने चले गया। फिर मैंने सोचा नहीं यार भाई बंदे मार रहे थे, तो देखो इसने भी एक और गाड़ी से नॉक कर दिया, और एक वहाँ पे 3 बंदे तो ऐसे ही नॉक कर दिए इसने गाड़ी से। तो मैंने सोचा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई ना, तो भाई मेरे को लगा नहीं था कि एयरलाइन यहाँ से गई भी नहीं थी, पर बंदे यहाँ पर लड़ रहे थे क्योंकि जोन उस तरफ से आया था ना इसलिए। सॉरी गाइस, मैं नंबर 3 को तब से नंबर 4 बोले जा रहा हूँ, इसका नाम तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, पर मैं इसको पता है नंबर 4 बोले जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भैया तू ही ड्राइव कर, मेरा ड्राइव करने का मन नहीं है। तो जैसे ही देखते हैं फ्यूल की, भैया धजिया उड़ जाती है एकदम, मैं देखता हूँ फ्यूल कहाँ, तो फ्यूल तो भैया एकदम ख़त्म हो जाता है और कार भी थोड़ी डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम मैं ध्यान देता नहीं हूँ,
तो ओके, इसके पास गैस कैन था भाई। नहीं मतलब एकदम ही भाई प्रो है, क्या है तू? तो वैसे हम भी फोर फिंगर प्रो खेलते हैं यार, हम कुछ कम नहीं है, ठीक ठाक ही मतलब बढ़िया खेल लेते हैं यार, मरते नहीं है इतनी जल्दी बंदों से। तो भैया इधर क्या स्कैम होता है ना, इधर आता है सबसे तगड़ा मज़ा, स्कूल की तरफ से जोन आ रहा होता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं कैंप ओपन में, वो भी डरने की कोई बात होती नहीं, ठीक है। और इस एडोर में होती है MK-14, तो मैंने कहा ले भैया आज तो MK-14 ही चलाएंगे, आ जाओ जिसमें जिसमें दम आ जाओ भैया, देख लूँगा सबको। MK-14 मिल गई भाई, मैंने उठा लिया MK-14, ठीक है। फिर MK-14 करके मैंने बोला कि चल जल्दी से चल लेते हैं, फिर मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें तो फ्यूल ही नहीं है, फिर मैंने भी एग्जिट कर दिया, मतलब फ्यूल तो मिला ही था ही नहीं, ख़त्म हो गया था थोड़ा सा चला। फिर मैं सोचा भाई तू बग्गी में ले ले, कितना डैमेज करेंगे बेटे MK-14 है। तो हम तो पहले इधर उधर घूमते ताकि कोई बंदे भाई, आधे बंदे तो सांप बन के बैठ जाते हैं। तो मैंने इसमें देखा इसमें 8x है, फिर मैंने कहा भाई हट बे 8x कौन लगा के चलाएगा, और वो भी इतने छोटे जोन में। 3x 4x वो भी ठीक ही था, 8x लगाया। AWM जब भी एयर ड्रॉप में AWM होते हैं ना, और मैं कभी AWM लेता हूँ, कभी भी नहीं होता। मेरे को पक्का पता था कि उधर बंदा होगा, तो मैं भी उतर जाता हूँ, और उतरते फिर है ना MK-14 तो चलाते नहीं, क्योंकि M416 में तो स्कोप लग रखा था, तो मैंने कहा ले भैया M416 ही चलाता हूँ। 12 बंदे लाइफ थे मेरे, खाली 4 किल्स थे, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आगे चल लेता हूँ, पीछे भी है, और ये बंदा यहाँ से फिर से आ गया, इसके भैया हेडशॉट ही बजा दिए हमने, हेडशॉट भैया। मतलब बॉट वॉट आ जाते हैं एक दो बंतियाँ करने, तो मैं इधर से ले गया और वो उधर का कवर ले के, जैसे मैंने ऊपर देखा ऊपर एक बंदा था, मतलब टॉप पे एकदम स्कूल के, तो मैंने कहा भैया मैं तो यहीं लेट के सांप बन के, वो जब तक मतलब वो बंदा नहीं आ जाता ना, वो खेल तो मैं ले के रहूँगा, और देखना इतनी सही चीज़ है। वैसे वो एक बंदा नहीं था, उसके पीछे से भी मतलब स्कूल के पीछे से भी एक बंदा आ रहा था, तो वो अपने आपसरी में ही मतलब डुओ थे गाइस, वो डुओ वर्सेस डुओ की सिचुएशन हो गई थी गाइस, बहुत तगड़ी वाली, और बहुत मज़ा आने वाला आपको देखने में। अब मैं यहाँ लेट जाता हूँ, मैं स्कोप ओपन करके बैठता हूँ कि कभी मतलब थोड़ा बहुत तो दिखे वो बंदा। मेरे को पता था जो कि वो क्या कहते हैं जोन है उस तरफ, और जोन इस तरफ से ज़रूर आएगा, तो उनको आना तो पड़ेगा इधर, तो मैंने कहा ये तगड़ी एडवांटेज मिल गई मेरे को आगे, मतलब रश बिल्कुल भी नहीं करना, रश करने का मतलब हर टाइम रश करने में इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता ही नहीं है, जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि रश कर देंगे, रश है भाई रश कर देंगे मार देंगे। और भैया अगर वो मान लो 3 भी बंदे हो ना मुश्किल से, और आपकी ऐसी बैंड तगड़ी तगड़ी गन ले रखी उन्होंने, जैसे कि M416 है, KM स्कार वगैरह वगैरह, भैया एक ही हेड शॉट देंगे, ठीक है, तो हमेशा रश करना भी ठीक नहीं होता। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं मतलब टिप एंड ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स की एक वीडियोस लेके आऊँगा, टॉप 10 ट्रिक्स एंड ट्रिक्स फॉर पबजी मोबाइल लाइट, तो आप कमेंट में बताना कि जैसे कि काफ़ी सारे घरों के करो या फिर, तो देखो गाइस मेरे को उनके हेड दिख रहे थे, आप बाद में डिस्कस करूँगा मैं आपसे टॉप। मेरे को लगा कि उस बंदे ने मेरे को देख लिया, वो आ नहीं रहा, मेरे को ऐसा मतलब फील हुआ कि उसने उस वाले बंदे ने मेरे को देख लिया, पर उसने देखा ही नहीं था, वो दोनों डुओ थे। मैंने कहा भाई नंबर 4 कहाँ जा रहा है भाई, जैसी आया इसके हेड शॉट ही फेल दिया भैया, तो आती ही लेट गया, पता नहीं क्या इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ही कम थी। तो ये दूसरा बंदा भी आया तो वैसे ही नॉक हो गया था उसमें, क्या कहते हैं जोन से, तो मेरे को पक्का पता था कि वो आएंगे। और गाइस इसी को मतलब मार थी पता नहीं क्या, जैसे इस बंदे को मारूंगा ना गाइस, ये जी जी गाइस चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर गाइस, चिकन डिनर हमारे यहाँ पे इजी चिकन डिनर हो जाता है। रश गेम प्ले था, MK-14 में चला ही नहीं पाया, सॉरी गाइस, पर MPV ये बन गया, इसका डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा किया था। Platinum 1 पे आइए, मैं Platinum 5 पे हूँ, 4 पे आने वाला हूँ गाइस जल्दी से, मतलब स्क्वाड में हूँ। तो गाइस बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कह रहा था ना कि वो टिप एंड ट्रिक्स की, तो कमेंट में बताना कि मतलब मैं जैसे कि स्क्वाड हाउस की अलग से 10 ट्रिप्स टिप एंड ट्रिक्स बताऊँ, या फिर डिफेंस अटैकिंग की, या फिर सारे को कम्बाइन करके, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मैं नए कंटेंट और नई अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।